नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। सपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी। हमारे साथ देवेश साथ जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जनता के बीच में एटा में क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनको किस तरह से निस्तारण करेंगे? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का आभार व्यक्त करता हूँ, और जिन्होंने मेरी पहली लिस्ट में हमारी टिकट एटा से फाइनल की है। हम पे एक विश्वास जताया और उस विश्वास को कायम करने के लिए मैं एटा में पूर्व से ही एटा के प्रभारी के तौर पर मैं 8 महीने से वहाँ काम कर रहा था, और संगठन एटा का पूरा तैयार है। हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता बिल्कुल सजग है, तत्पर है, बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे मतों से हम वहाँ से जीत जाएंगे। आज लखनऊ में हंगामा हो रहा है पीडीए, उसके बारे में देखिए, पीडीए जो नारा दिया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इसकी आज वर्तमान राजनीति में इसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि जिस तरह से सारी जातियों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, और पीडीए नारा देकर हम सारे समाज और सभी जातियों को समानता का अधिकार दिलाएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिले, इसी नारे के साथ हम सब समाज में जाएंगे और अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट दें। एटा में कोई ऐसी समस्या बताएं कि जिसमें अभी तक की सरकार ने कुछ हुआ ना हो। देखिए, मैं चूंकि 8 महीने से मैंने बोला है कि 8 महीने से मैं लगातार एटा में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ इस 10 वर्षों में ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि जो माननीय जो सांसद है वर्तमान में उनके द्वारा कोई योजना वहाँ चलाई गई। आपने देखा, ये हमारे साथ देवेश साकी जी थे, युवा थे। देखने वाली बात यह है कि जो चुनाव आएगा तो किस प्रकार से उसको ये लेंगे। आज देखिए, इटावा से कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू बिच्छेद।